नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। चीकोज रेसिपीज़ में एक बार फिर से आज आपका स्वागत है। तो आज मैं बात करूंगी पापांकुशा एकादशी की, कि ये एकादशी कब आती है, इसका क्या महत्व है, और व्रत पूजन विधि और पारण का जो समय है वो कब है। तो 27 अक्टूबर मंगलवार के दिन जो पापांकुशा एकादशी पड़ रही है, और अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पापांकुशा एकादशी के नाम से जाना जाता है। पाप रूपी हाथी को व्रत के पुण्य रूपी अंकुश से बेंधने के कारण ही इस एकादशी का नाम पापांकुशा एकादशी पड़ा। तो इस दिन भगवान पद्मनाभ की पूजा अर्चना की जाती है। तो महाभारत काल में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को पापांकुशा एकादशी के महत्व के बारे में बताया है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि इस एकादशी के करने से जो हमारे पाप कर्म हैं वो नष्ट होते हैं, और पाप कर्मों से हमारी रक्षा भी करते हैं, यानी कि अगर हमारे से कोई पाप हो भी जाए तो उनसे हमारी रक्षा करते हैं अगर एकादशी, इस एकादशी का व्रत हम करते हैं। तो यह एकादशी हमें अर्थ और मोक्ष की प्राप्ति करवाती है, और जो हमारे संचित किए हुए पाप होते हैं उनसे मुक्ति दिलाती है। तो भगवान श्री हरि विष्णु को जो एकादशी व्रत है वो तो प्रिय है ही है, जैसा मैं हर बार आपको बताती हूँ। तो एकादशी का व्रत करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, पुण्य की प्राप्ति होती है, और इसीलिए तो एकादशी व्रत को पुण्यदायिनी और मोक्षदायिनी कहा जाता है। तो एकादशी का व्रत करने से जो भगवान श्री हरि है वो बहुत प्रसन्न होते हैं, और अपने भक्तों पर अपना आशीर्वाद सदैव बनाकर रखते हैं। तो हमेशा की तरह बताती हूँ, एकादशी का व्रत जो शुरू होता है द्वादशी के दिन से ही शुरू हो जाता है। तो द्वादशी के दिन हमें एक टाइम भोजन करना चाहिए, अगर आपको दो टाइम भोजन करना भी पड़े तो दिन ढलने से पहले आपको भोजन कर लेना है। चावल खिचड़ी का सेवन नहीं करना, प्याज लहसुन का सेवन नहीं करना, और हो सके तो दशमी के दिन ही आपको थोड़ा सा रात को भजन कीर्तन करके सोएं। फिर एकादशी के दिन सुबह उठेंगे, पानी में गंगा जल डालकर स्नान करेंगे, जहाँ आपने पूजा करनी है वहाँ की आप करेंगे सफाई। फिर जो प्रतिमा है या आपके पास लड्डू गोपाल जी है या शालिग्राम जी है उनकी, आप अगर आपके पास भगवान पद्मनाभ की फोटो है तो उनकी पूजा जरूर करें, नहीं तो शालिग्राम जी हैं, लड्डू गोपाल जी हैं, भगवान श्री हरि हैं, भगवान श्री कृष्ण हैं, तो इन सब की आप पूजा करें। पंचामृत से स्नान करवाएं उन्हें, और जो पंचामृत से स्नान करवाएंगे तो वो प्रसाद के रूप में आप लोग ले सकते हैं। फिर उनकी धूप दीप नैवेद्य से पूजा करें, उनकी आरती करें, भगवान श्री हरि को तुलसी का पत्ता जरूर चढ़ाएं। आरती करने के बाद ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्रों का जाप करें। भगवान को जो आपको भोग लगाना है वो आपको फलाहार ही भोग लगाना है, जैसे दूध और फल का भोग लगाएं तो दान भी आपको फल का ही देना है दक्षिणा सहित, और तुलसी जी में दिया जलाना है, सूर्य भगवान को जल देना है, ऐसा मैं आपको हर बार बताती हूँ। संध्या के समय भी आपको ऐसे ही पूजा करनी है, पहले भगवान श्री हरि की पूजा करें, मंदिर में जो रूटीन में पूजा की जाती है, आरती की जाती है वो करें, फिर आपको तुलसी जी में शाम को भी दिया लगाना है। तो जो आपको एकादशी की कथा सुननी है वो आपको सुबह जब आप पूजा करेंगे उसके बाद आपको एकादशी की कथा सुननी है, और आपको जो ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना है, आप एक माला कर सकते हैं, अगर एक माला नहीं कर सकते तो 11 बार बोले, 21 बार बोले या 51 बार ये माला कर सकते हैं। फिर आपको तुलसी जी की भी परिक्रमा करनी चाहिए, 11 बार करें, अगर 11 बार नहीं कर सकते तो 7 बार करें, 9 बार करें, लेकिन ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए परिक्रमा जरूर करें, और अगर हो सके तो शालिग्राम जी को भी तुलसी जी में एकादशी के दिन विराजमान करें तो और भी अच्छा होगा। तो एकादशी के दिन आप अगर अपने घर में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं तो वो विशेष फलदायी होता है और बहुत ही शुभदायी भी होता है। ये तो हो गई एकादशी की पूजा विधि, अब बात कर लेते हैं द्वादशी की। तो द्वादशी के दिन आपको करना होगा व्रत का पारण। तो व्रत का जो पारण का टाइम है 28 अक्टूबर की सुबह 6:30 से लेकर सुबह 8:45 तक है। तो इस दौरान आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। व्रत का पारण आपको करना है, हमेशा की तरह बताती हूँ कि आपको भोजन बनाना है, ब्राह्मणों को दान में देना है, ठाकुर जी को भी जो भोग बनाकर देना है, तो चावल जरूर होना चाहिए, चावल की खीर बनाकर भोग लगा सकते हैं, और जो दान देंगे उसके अंदर दक्षिणा भी जरूर होनी चाहिए। तो ये है पारण का समय जो मैंने आपको बता दिया, और पारण कैसे करना है तो आपको पापांकुशा एकादशी की जो कथा है उसकी वीडियो आपको मिल जाएगी।
तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमेशा की तरह अपने सुझाव देते रहें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।